इसके अंदर है एक ऐसा ब्रांड का प्रोडक्ट जो मतलब सस्ती ब्रांड के नाम से जाना जाता है। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी दो तीन वीडियो बना चुका है, प्लस बहुत ही रिव्यू खराब रहता है, जिस कारण मैंने इसको परचेज किया। साथ ही साथ इसके अंदर का स्मार्टफोन जैसा आपने थंबनेल में देखा, D2 आपको कॉपी मिलेगा आईफोन की तरह, पूरी तरह का लुक ऐसे ही मिलेगा। मेरा ही फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जब मैंने देखा इसको अमेज़न पे, मैंने सोचा तुरंत इसको मंगा लीजिए, आपके सामने दिखाया जाए कि क्या ये प्रोडक्ट आती है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं अंडर 6000 का जो भी प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में 6000 का वर्थ इट है या फिर नहीं है। बाकी सस्ता ब्रांड के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस है ये। तो चलिए बढ़ते वीडियो में। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का ऑसम ऑसम वीडियो हमेशा मैं चैनल पे लाते रहता हूं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो चलिए इसको फटाफट सब अनबॉक्सिंग किया जाए, मेरे से भी रहा नहीं जा रहा है, मतलब ये दो दिन पहले आ चुका था बट मेरा थोड़ा तबियत खराब था, जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिस कारण इसको अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया। इसका मेरे को रजिस्टर का मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं है और देख पा रहे हैं आईकॉल S2। ओहो, जैसे मैंने कहा एकदम आई फोन का जैसा लुक आ जाता है इसका। इसके साथ ही ये 88 एनिवर्सरी कार्ड कुछ मिलता है आईकॉल का, एंड इसके साथ यहाँ पर अमाउंट देख पर लिखा है 9489 ओनली। मैं अंडर 7000 का बोल रहा था, 9000 का, जैसे मैंने कहा बहुत पहले मैंने ऑर्डर किया था, 9480 ओनली, मैंने 9489 का प्राइस है। देखा जाए वर्थ ऑफ इट है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने पहले ही जैसे बता दिया आपको, ये ब्रांड खाली वादा करती है, बाकी कुछ देती नहीं है। यहाँ लिखा हुआ 6+6 स्टार लिख दिया ऊपर, देख पा रहे 6GB RAM, मतलब ये हो सकता है वर्चुअल रैम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, स्टार मार्क दिया, स्टार मार्क कुछ डेफिनेशन यहाँ दिया नहीं थे। एंड इसके साथ ही आपको 128GB का रोम मिल जाता है, मतलब इंटरनल स्टोरेज आपको देखने मिलता है 128GB का। इसके साथ ही पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन, मेड इन इंडिया का ब्रांड, हर आईकॉल का ब्रांड आपको मिलेगा मेड इन इंडिया का ब्रांड, आईकॉल S2 लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप का लुक आता है। चलिए इसको फाइनली ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। पहले ही फोन देखने मिल जाता है, इसका बात करते हैं अभी बाद में हम लोग, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। बॉक्स कंटेंट में अगर देखा जाए हम लोगों तो एक यूज़र मैनुअल देखने मिल जाता है, इसके साथ ही एक थैंक यू कार्ड मिल जाता है, इसके साथ ही ये चार्जर मिलता है जो कि USB A2 Type-C है, इसके साथ ही यहाँ पर पिन इजेक्टर टूल मिल जाता है, देख पा रहे यहाँ पर, और बाकी एक चार्जर मिलता है। चार्जर देखा जाए ये इंपॉर्टेंट होता है, 5 वोल्ट का आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है जो कि देखा जाए तो बहुत ही कम है। इसका बैटरी कितना है नहीं पता नहीं मुझे, बैटरी वगैरह भी हम चेक करते हैं कितना बैटरी इसको देखने को मिल जाता है। अभी आ जाती है फाइनली स्मार्टफोन जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, मतलब कवर के साथ मिलेगी, देख पा रही कवर लगा हुआ है। ओहो हो, सेम टू सेम आईफोन, मतलब जैसे मैंने कहा आईफोन 14 की तरह लुक ये दिया गया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो देख पा रहे मेरे पास है आईफोन 14 प्रो का पिक्चर और ये दोनों का कैमरा सेटअप देखो आप, सेम टू सेम आपको कैमरा देखने को मिलेगी, मतलब D2 कॉपी किया गया D2। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा है, यहाँ पर ट्रिपल कैमरा है, यहाँ पर एक फ्लैश दिया, यहाँ पर भी एक फ्लैश दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर एक ब्लैक डॉट टाइप का दिया, ये भी यहाँ पर ब्लैक डॉट टाइप का दिया, बट आई एम श्योर है कि तीनों कैमरा काम नहीं करती होगी इसमें। और ये फोन पहले से कवर लगा हुआ आता है, जैसे ज्यादातर मोटो वगैरह फोन में मिलता है आपको कवर लगा हुआ मिलता है, इसको मैं कवर के ऊपर हटाता हूँ। और ये जो कि गोल्डन कलर में मैंने परचेज किया था, अब आ गया ब्रांड न्यू फोन, देखने में लुक तो काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब अगर आप पीछे से इस टाइप का अगर ब्रांड को ढक दोगे और ऐसे करके अगर बात करोगे तो लगेगा आईफोन 14 ही पकड़ा हुआ है, बट हाँ थोड़ा सा इसका हाइट ज़्यादा लग रहा है, आईफोन 14 प्रो प्लस जो है ना उसका शायद हाइट का इसके मुकाबले उसी का हाइट है। सो बात करें इसका हम लोग फिजिकल रिव्यू की, तो यहाँ पर आपको 2 बटन मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन का, साथ ही साथ यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, प्लस लॉक अनलॉक का बटन भी आपको मिल जाता है। और ये जो है ना D2 जैसा मैंने कहा आईफोन 14 की तरह पूरी तरह डिजाइन किया गया, तो ये फ्लैट आपको मिल जाता है, ये राउंडेड नहीं मिलता, ये फ्लैट मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ये है प्लास्टिक बिल्ड, पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड है। इस साइड में आपको सिम इजेक्टर मिल जाता है जहाँ पर आप सिम लगा सकते हो। अब इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा सिम लगेगा, वो भी पता नहीं, शायद हाइब्रिड लगेगा या तो फिर नैनो सिम लगेगा। यहाँ पर आपको या तो 2 सिम लगा लो या तो 1 सिम 1 SD कार्ड लगा लो, इस टाइप का आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको साथ ही साथ टाइप सी का देखने मिलता है पोर्ट, यहाँ 2 स्पीकर ग्रिल मिलता है, बाकी ये फ्लैट सरफेस है, इस टाइप का आप इसको खड़ा करके भी रख सकते हो। और ये जो सारे साइड्स और कॉर्नर देखने मिलते हैं ये आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको ह्यूज डिस्प्ले मिल जाता है, 6.8 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, काफी ज्यादा मैंने हैंडी फोन इसको आप नहीं बोल सकते हो, काफी बड़ी फोन है आईकॉल। तो चलिए फटाफट इसको सेटअप कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद आपको दिखाते हैं सारा फंक्शन इसका। अब देखिए दोस्तों फाइनली इसका बूटिंग हो चुका है, अब कैमरा देखिए, कैमरा देखने में ताजी हुआ है। तो जो इसमें देख पा रहे इसमें आपको डायनामिक नॉच दिया हुआ, सेम टू सेम इसमें भी डायनामिक नॉच दे दिया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें कोई फंक्शन वर्क करते कि नहीं करते, जिसमें आईफोन 14 में एक्चुअली क्या होता है जब चार्जिंग करते हैं यहाँ पर शो करता है, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह भी शो होता है। इसका अगर फिंगरप्रिंट की बात करें सेंसर का तो काफी ज्यादा सही लगा मुझे, देख पा रहे मैं जैसे फिंगर लूंगा ऑन हो भी जा रहा है, फिर मैं बंद किया, बस 1 से 2 सेकंड का डिफरेंस के अंदर ऑन हो जा रहा है, ये तो सही है। ये सामने का वॉलपेपर भी आपको आईफोन 14 जैसा ही नजर आएगा, आईफोन 14 प्रो में जो वॉलपेपर है उसी टाइप का,
बाकी इसमें वॉलपेपर वगैरह चेंज भी कर सकते हो, अलग अलग टाइप का वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो ये जो डायनेमिक डिस्प्ले मैंने कहा, जो डायनेमिक आपको नॉच देखने मिलता है, ये सिर्फ ये जो वॉलपेपर है वॉलपेपर के कारण नहीं दिख रहा है। अगर मैं वॉलपेपर चेंज करूँ तो देख पाओगे ये हट जाएगा। मैं तुरंत वॉलपेपर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये जो वॉलपेपर, इस वॉलपेपर को मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, अब जो डायनेमिक डिस्प्ले दिख रहा था वो हट चुका है। और अगर इस वॉलपेपर में भी मैं आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं दिखाता हूँ, मैं जैसे क्रोम ऑन करूंगा देख पाओगे ऊपर में डायनेमिक जो डिस्प्ले है वो हट चुका है। और यहाँ पर आइकॉन ने अपना औकात दिखा दिया दोस्तों। इसमें आपको एक खराबी मिलता है, एक क्या बहुत सारा खराबी, मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं आपसे। यहाँ पर देखो आप ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, आपको इसको मैन्युअली आगे पीछे करना पड़ेगा, आपको इसे मैन्युअली आगे पीछे करना पड़ेगा ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। मतलब ऑटो ब्राइटनेस का कोई भी सेंसर नहीं दिया हुआ है इसका। इसके साथ ही आप जैसे सेटिंग में जाओगे, इसमें बॉक्स में लिखा है एंड्रॉइड 13, बट यहाँ पर आप देखो सेटिंग में जाने के बाद, अबाउट फोन में आने के बाद अगर हम लोग जाते हैं एंड्रॉइड वर्जन, यहाँ भी देखो 13 लिखा हुआ, लेकिन जैसे इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो देख पा रही है एंड्रॉइड 12 है नॉट 13। बट देखिए 12 में भी आ नहीं रहा, एंड्रॉइड 12 लिख भी नहीं रहा है। मतलब ऐसे में जिसका भी एंड्रॉइड 12 है, ऐसे करने से क्या होता है ना, एंड्रॉइड 12 लिख के आता है बट इसमें लिख भी नहीं रहा है। तो जनरली हम लोग का क्लियर ऑल का यहाँ पर फंक्शन या ऊपर में कहीं फंक्शन दिया होता है, बट जितने भी टैब इसमें ओपन है सारे आप इधर जाओगे लेफ्ट में तब जाके क्लियर ऑल का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सारा एक साथ क्लियर हो जाएगा। इसके साथ हम लोग बात करें कैमरा का, 8 MP का फ्रंट कैमरा एंड 21 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, साथ ही साथ 5 MP का वाइड कैमरा मिल जाता है और 2 MP का मैक्रो मिल जाता है। सारे कुछ इनबॉक्स जो लिखा हुआ मैंने आपको वही कहा, जब अच्छे से टेस्ट करोगे आप तब इसको पता चलेगा। यहाँ पर इसका कैमरा को सेटिंग आपको मिल जाता है, कैमरा के अंदर एक QR का ऑप्शन मिल जाता है, टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर सोचोगे आप कहीं भी अल्ट्रा वाइड नहीं दिया हुआ, बट अल्ट्रा वाइड आपको मिलेगा। यहाँ पर मोर में जैसे ही आओगे आप, यहाँ पर आपको अलग अलग मिलता है, DV अल्ट्रा वाइड, मैक्रो DV मैक्रो, अल्ट्रा वाइड, नाइट, अलग अलग आपको मोड दिया हुआ है। इसके साथ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोशन फोटो का, इसको जैसे आप क्लिक करोगे उससे क्या होता है मोशन फोटोज आप ले सकते हो, अचानक गाड़ी वगैरह पार हो तो इस टाइप का। एंड इसके साथ ही आपको यहीं पर कैमरा में इनबिल्ट आपको गूगल लेंस मिल जाता है ऊपर में, आप देखोगे कोना में यहाँ पर गूगल लेंस आ जाता है। सिंपली इसको क्लिक करोगे डायरेक्ट गूगल लेंस ओपन हो जाएगा ओपन कैमरा के थ्रू, डायरेक्ट यहीं से आप कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें बैटरी का, तो इसमें काफी ह्यूज बैटरी देखने मिलता है आपको, मतलब 6000 mAh का बॉक्स मेंशन बैटरी दिया हुआ है। बट हाँ, बैटरी का बैकअप भी हम लोग ऐसा मिल रहा है, कल से हम लोग इसको अनबॉक्सिंग पे रेगुलर यूज कर रहे हैं, सारे कुछ रिव्यू हम लोगों ने किया घर में इसको यूज करके देखा, बट एक बार भी चार्ज नहीं किया, लेकिन फिर भी देखो 37% बैटरी है। प्लस यहाँ पर देखो आप क्या लिख रहे हैं, बैटरी का बैकअप 1 day 2 hours लेफ्ट, मतलब अभी भी एक दिन तक बैटरी बैकअप चल जाएगी 37% में भी। ये बैटरी बैकअप काफी ज्यादा सही मिलता है, बैटरी सेवर भी आपको मिल जाता है। एंड इसके साथ ही इसमें आपको 2 GHz का ओक्टा कोर प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए काफी ज्यादा सही होता है। लेकिन हाँ, इसमें मैंने फ्री फायर खेल के देखा, काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है। इसमें अगर हम लोग सेटिंग को एकदम हाई पे खेलते तो थोड़ी बहुत लैग देखने मिलते, वो भी बहुत मिनिमम लैग है, ज्यादा लैग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अल्ट्रा पे खेलोगे, अल्ट्रा पे इनबिल्ट आपको मिल जाता है, जैसे हम लोग फ्री फायर इंस्टॉल किया अल्ट्रा पे आ गया, अल्ट्रा पे खेलने के बाद काफी स्मूथ गेम प्ले हो रही है, मतलब गेम खेलने का मजा ही आ जा रहा है। एंड इसके साथ ही जैसे हम लोग कोई वीडियोस वगैरह प्ले करते हैं यूट्यूब से, चाहे कुछ भी वीडियोस प्ले करो, मैं यहाँ पर आपको एक डीमेरिट दिखाता हूँ उसको, जैसे मैंने इस वीडियो क्लिक किया, ये अल्ट्रा HD पे है, मतलब 4K वीडियो है। लेकिन इसका जैसे हम लोग सेटिंग पे जाएंगे, इसको हम लोग क्वालिटी इंक्रीज करना चाहेंगे, बट यहाँ पर देखो आप सिर्फ 720p तक ही दे रहा है, मतलब इससे ज़्यादा इसका क्वालिटी नहीं इंक्रीज कर सकता ये। 720p तक की कोई भी वीडियो आप चलाओगे 720p 60 HDR इतना में ही अप्लाई होगा, बस यही वीडियो चलेगा। अब इसका हम लोग स्पीकर टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने NCS का सॉन्ग प्ले कर दिया, अब यहाँ पर देखो इसका मैं साउंड फुल करता हूँ, बट स्पीकर का साउंड मुझे उतनी ज़्यादा सही नहीं लगा। लाउड साउंड तो है, बट क्या है ना, इसके साथ मतलब आवाज़ में उतनी ज़्यादा मीठापन नहीं है, थोड़ी आवाज़ फटता हुआ नजर आता है, जो आवाज़ इतनी ज़्यादा सही नहीं लग रही है, उस टाइप का कुछ फील होता है। इसके साथ ही जैसे बॉक्स में मेन था, इसका जो रैम है 6+6GB था, बट यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद देख पा रहा रैम सिर्फ 6GB लिख रहा है, +6GB कहीं भी नहीं है। इसको कहीं भी अगर क्लिक करेंगे तो +6GB का रैम और नहीं शो हो रहा है। एंड इसके साथ हम लोग स्टोरेज अगर देखें तो स्टोरेज आपको देख पा रहे 128GB का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें अभी तक 13GB यूज़ हो चुका है, जबकि कुछ भी यहाँ पर है नहीं। साथ ही साथ यहाँ से हम लोग फेस हम लोग भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर एग्री कर देना है, फेस ऑन लॉक का भी वर्किंग सही है, जस्ट मैंने ओपन किया ओपन हो गया। इसके साथ ही हम लोग सिक्योरिटी अपडेट की बात करें तो लास्ट सिक्योरिटी अपडेट देख पा रहे हैं 5 जुलाई 2023 का सिक्योरिटी अपडेट है। यहाँ पर अगर चेक पर अपडेट करते हैं हम लोग, फिलहाल अभी कुछ अपडेट नहीं आया होगा, 5 जुलाई 2023 का ही अपडेट है। तो ये था फोन का ओवरऑल रिव्यू, और मुझे एक्चुअली देखा जाए तो जैसे मैंने कहा आइकॉल ब्रांड सस्ती चीज़ें बनाती है, बट सारी चीज़ नहीं भी आपको प्रोवाइड करती है। जैसे इसका प्राइस है 9,500 का आपको प्राइस मिल जाता है देखने को, और इसके साथ ही आपको 4G डिवाइस मिलता है। एक देखा जाए प्राइस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा सही है। इसको अगर आप लुक वाइज लेना चाहते हो, मतलब आप
फोकस दिखाने के लिए लेना चाहते हो, एप्पल का D2 कॉपी किया जिसमें पहले कहा था, देख पा रहे कैमरा वगैरह, इस टाइप का अगर किसी से बात भी करोगे नेक्स्ट बंदा समझ नहीं पाएगा कि एप्पल का फोन नहीं है, कोई और ब्रांड का फोन है। बट सिर्फ एक ही डिमेरिट इसमें एप्पल का लोगो नहीं है। अगर एप्पल का लोगो आ जाएगा तो फिर D2 एप्पल लगता है, बट लोगो वगैरह दे नहीं सकते, कंपनी का कुछ पॉलिसी रहता है अपना। बाकी क्या आप इसको प्रिफेयर करना चाहोगे अंडर 10,000 के स्मार्टफोन में, मुझे नीचे कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ अगर कोई यूज कर रहे हैं तो भी नीचे कमेंट जरूर करना आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। सो और भी आपको इस तरह का मजेदार अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह देखना है तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा इस तरह का वीडियोस लाते रहता हूं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। हाँ, वीडियो का कुछ हम लोग लाइक एम भी रख देते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोस कर रहा है, इस वीडियो का लाइक एम हम लोग 200 रखते हैं, जरूर जरूर कंप्लीट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।